हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे कि एंड्रॉयड कंपोनेंट्स क्या है। एंड्रॉयड एप्लीकेशन जो है इसके अंदर कंपोनेंट्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है, क्योंकि कंपोनेंट्स इसका बेस होते हैं। ये जो एप्लीकेशन है वो एक या एक से ज़्यादा कंपोनेंट से बन सकती है। अब हम देखेंगे कि एंड्रॉयड के जो कंपोनेंट्स है वो क्या है और कितने तरह के होते हैं। सबसे पहला जो कंपोनेंट है वो है एक्टिविटी, सेकंड जो है वो है सर्विस, थर्ड इज ब्रॉडकास्ट रिसीवर एंड फोर्थ इज कंटेंट प्रोवाइडर। ये चार कंपोनेंट एंड्रॉयड एक्टिविटी का, एंड्रॉयड एप्लीकेशन का बेस होते हैं। तो ये चार कंपोनेंट क्या है और ये कैसे काम करते हैं अब हम देखेंगे। सबसे पहला जो मेन कंपोनेंट है वो है एक्टिविटी। एक्टिविटी जिसको हम बोल सकते हैं कि बेसिक काम होता है कि यूज़र क्या करना चाहता है उस पर फोकस करना, यानी हमारा एप्लीकेशन कैसा दिखेगा, उसका यूआई कैसा होगा और उस यूआई को हम किस तरीके से पर्टिकुलर हमारा टास्क अचीव करने के लिए हम डिज़ाइन कर सकते हैं वो हम डिसाइड करेंगे एक्टिविटी में। नेक्स्ट जो है वो है सर्विस, जिसे हम बैकग्राउंड प्रोसेस भी बोल सकते हैं। बैकग्राउंड प्रोसेस इन द सेंस कि अगर हम एक एक्टिविटी का यूज़ कर रहे हैं तो एक्टिविटी का कोई टास्क परफॉर्म करने के लिए हम एक सर्विस का यूज़ करेंगे, जिससे वो बैकग्राउंड में रन होती रहेंगी और हमारी एक्टिविटी भी इजीली हैंडल होगी। नेक्स्ट जो है दैट इज़ ब्रॉडकास्ट रिसीवर, जिसको हम बोल सकते हैं मैसेज रिसीव करने का काम उसका होता है बेसिकली। और उसके बाद जो लास्ट है वो है कंटेंट प्रोवाइडर, जिसका काम होता है डेटा को स्टोर करना और स्टोर डेटा को रिट्राइव करना। अब ये किस तरीके से काम करेंगे इन्हें हम डिटेल में देखेंगे। सबसे पहला जो पार्ट है वो हमें देखना है एक्टिविटी। एक्टिविटी सबसे इम्पॉर्टेंट बेस है एंड्रॉयड एप्लीकेशन का, क्योंकि इसमें हमारा जो मेन फोकस है वो यह है कि यूज़र क्या करना चाहता है, एग्जैक्टली यूज़र की रिक्वायरमेंट क्या है। सिंपल सा एग्जांपल हम यहाँ पे ले सकते हैं ईमेल एप्लीकेशन का। हम हमारे फ़ोन में डेली ईमेल एप्लीकेशंस यूज़ कर सकते हैं, जिसमें हम हमारे इनबॉक्स, न्यू ईमेल्स हम चेक करते हैं, रीड करते हैं, हम सेंड कर सकते हैं, कंपोज कर सकते हैं। सो वो एक तरह का एक्टिविटी का बेसिक एग्जांपल है। अब एक्टिविटी जो है किस तरीके से डिज़ाइन की जाती है, तो एक्टिविटी का मेन क्लास जो है वो हम एक्सटेंड करते हैं हमारे पर्टिकुलर कोडिंग में। जैसे यहाँ पे हमने लिया है मेन एक्टिविटी, जो हम एक्टिविटी का मेन क्लास एक्सटेंड करवाएंगे, जिससे हम हमारी मेन एक्टिविटी में पेरेंट क्लास की सारी जो इनबिल्ट मेथड्स है उनको यूज़ कर सकते हैं। अब ये जो एक्टिविटी है उसका एक पर्टिकुलर स्टेट्स होती है जिसके थ्रू वो ट्रैवल करती है। तो उसका सबसे मेन इम्पॉर्टेंट जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो है ऑन क्रिएट मेथड, जो हम देखेंगे आगे किस तरीके से काम करती है और नेक्स्ट कौन कौन सी मेथड्स आती है। और इसका एक सीक्वेंस होता है कॉल बैक मेथड्स का, वो भी हम देखेंगे। यहाँ पे जब हम बात करते हैं एक्टिविटी की, तो एक्टिविटी एक भी हो सकती है, एक से ज़्यादा भी हो सकती है, यानी उसकी कोई लिमिट नहीं है कि आप इतनी ही एक्टिविटी अपने पर्टिकुलर कोड में रख सकते हैं। जितनी भी एक्टिविटी हो, किसी भी एक को हम मेन एक्टिविटी डिफाइन करेंगे, जिसको हम बोल सकते हैं वेलकम एक्टिविटी। जब हमारा पर्टिकुलरली एप्लीकेशन स्टार्ट होता है तो वो एक्टिविटी हमें सबसे पहले दिखेंगी एट द लॉन्चिंग टाइम। ईमेल एप्लीकेशन का जो एग्जांपल है उसी को अगर इससे रिलेट करें, तो अगर मेरे पास एक ईमेल एप्लीकेशन है तो मेरे पास एक एक्टिविटी ऐसी हो सकती है जिसमें मैं नए ईमेल्स चेक कर सकती हूँ इनबॉक्स में जो भी आते हैं। दूसरा एक्टिविटी ईमेल कंपोज करने के लिए हो सकता है मेरे पास। तीसरा एक्टिविटी हो सकता है जिसमें मैं सारे जो इनबॉक्स में आते हैं उसको रीड कर सकूं। इस तरीके से डिपेंड्स अपॉन द रिक्वायरमेंट, मैं अलग अलग कितनी सारी एक्टिविटीज डिवाइड करूंगी यहाँ पर, जैसे ही मेरा कंटेंट है उसको डिवाइड कर दूंगी। और डिज़ाइन भी अकॉर्डिंगली कर सकते हैं हम, और किसी भी एक एक्टिविटी को वेलकम एक्टिविटी या लॉन्च एक्टिविटी हम बना देंगे, यानी जैसे ही हम वो एप्लीकेशन स्टार्ट करेंगे तो पहले वो स्क्रीन आ जाएगा। अब ये पर्टिकुलर कॉल बैक मेथड जो है यहाँ पे उसका सीक्वेंस दिया गया है कि ऑन क्रिएट से जब हम बात करते हैं तो फिर किस तरीके से अलग अलग यहाँ पे हमारे पास कॉल बैक मेथड्स होती है और ये क्या काम करती है। थोड़ा सा इसको ग्राफिकली देखेंगे सो वी कैन हैव अ
बेसिक आइडिया ऑफ एक्टिविटी। यहाँ पे हमें एक एक्टिविटी लाइफ साइकिल दिख रही है कि जब एक एक्टिविटी स्टार्ट होती है तो कितने स्टेजेस से ट्रैवल होती है जब हम वर्क करते हैं तब, और एंड में जब वो बंद होती है, शट डाउन होती है, तो राइट फ्रॉम द स्टार्टिंग टू द शट डाउन उसकी पूरी कॉल बैक मेथड्स का यहाँ पे हमारे पास एक ग्राफिकल वर्जन अवेलेबल है। इसे और थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे।